एक चीज मैं देखता हूँ कि जो भी बच्चे इस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये है कि अगर इस कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे क्योंकि रेलवे से जुड़ा है तो उनकी जॉब रेलवे में लग जाएगी, इंडियन रेलवे में। क्या ऐसा भी कुछ है? Hey guys, welcome to my channel. This is Divyansh Vishwakarma. Welcome to Adventures. So, आज मैं बात करने वाला हूँ यार logistics and transportation के मामले में बहुत सही कॉलेज के बारे में जिसका नाम है NRTI and nowadays it is known as गति शक्ति विश्वविद्यालय। तो आज हमारे साथ मौजूद है सत्यम and सत्यम is currently doing BTech in गति शक्ति विश्वविद्यालय and he is enrolled in RSCE which is Railway System and Communication Engineering and he is in first year. So Satyam, introduce yourself to my audience. Hello Divyansh. Hello. Thank you for inviting me and hello everyone. Myself Satyam Patel, as Divyansh already introduced myself, and I'm currently a student in a Gati Shakti Vishwavidyalaya GSV, which was formerly known as NRTI, National Rail and Transportation Institute, and it is a great honor for me to be a student at GSV, and generally I am from Varanasi, so. So, Satyam, एक बात मुझे ये बताओ कि what is the vision of NRTI और गति शक्ति विश्वविद्यालय, क्योंकि अगर मैं देखूं तो मैंने देखा था honorable prime ministers का भी ये एक dream project रहा है, उसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगे? So, Divyansh, basically the vision of GSB is to work on infrastructure, signaling, speed and the most important is smoothness in logistics. Like that is the main vision, that how we can decrease the logistic cost so that India become the largest and biggest as a nation in the economy sector. तो एक चीज यार यहाँ मैं ये पूछना चाहूंगा कि जब बच्चे JMains देके आ गए होते हैं, जैसे हमारे तुम्हारे टाइम में भी ऐसा था, तो कॉलेजेस ढूंढने में उनको काफी परेशानी होती है, तो क्योंकि NRTI या गति शक्ति विश्वविद्यालय अभी नया बना है, तुम्हें कैसे पता चला कि ये कॉलेज है जो हमारे भारत में है एंड इतना सही कॉलेज है, तो उसके बारे में तुम्हें कैसे पता चला, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करो। टू बी ऑनेस्ट दिव्यांश, मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, लाइक सारे स्टूडेंट्स में ऐसे मतलब अंदर से वो होता है ना एक अलग टाइप का वो, कि हाँ अब एग्जाम हो गए, मैं दिन भर कॉलेज पे मतलब सर्च करूँगा, गूगल पे कॉलेजेस के बारे में सर्च करूँगा। तो वैसे मैं भी सेम 12th का स्टूडेंट था, उनसे अभी हाल ही में पेपर दे गया था, अच्छा पेपर गया था, तो मैं अभी JEE मेंस का मतलब पेपर हुआ था, ठीक है, तो एडवांस की तैयारी तो हो रही थी, लेकिन साइड साइड में लोग कॉलेजेस भी देखने लगते हैं, वो तो सारे का होता है या तो ऐसे ही मैं यूट्यूब देख रहा था, तो बहुत सारे मतलब NITs देखा, वो सब देखा, बहुत चीजें कॉलेज देखे, तो एक वीडियो मुझे दिखा NRTI के बारे में। अब वो मुझे उनका नाम तो नहीं पता चैनल का कि उनका चैनल पे वीडियो था, बट मुझे मतलब मैंने पूरा वीडियो देखा उनका, मुझे बहुत मतलब काफ़ी सही लगा, क्योंकि क्योंकि मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ रेलवे फ्रॉम माई चाइल्डहुड, एंड समटाइम्स डेस्टिनी ब्रिंग्स यू देयर, व्हाट इज योर राइट प्लेस, लाइक वो कहते हैं ना कि मन का हो तो अच्छा और ना हो तो भी अच्छा, सो that's the main point from for me that I choose the NRTI, currently GSB Gati Shakti Vishwavidyalaya. So currently how does it feel to you to being at NRTI or Gati Shakti Vishwavidyalaya? I already mentioned that it is a great honor for me to being a student of NRTI Gati Shakti Vishwavidyalaya, and we all know that in JEE time the first preference of all the students are IITs, but due to some low marks in chemistry I'm not able to get in IITs, but I am very happy that I am in Gati Shakti Vishwavidyalaya. okay, tell me one thing, jaisa ki maine dekha hai tumhare college ke bare mein, to college mein jo branch offer kar raha hai ye, aise jo tumhari branch hai RSCE, to iske bare mein bachcho ko leke kafi confusion rehti hai. अगर मैं IIT लखनऊ की बात करूं तो IIT लखनऊ में ब्रांचेस, अगर कंप्यूटर साइंस की बात करूं तो उसमें कंप्यूटर साइंस सिंपल है और एक स्पेशलाइजेशन विद AI या फिर मशीन लर्निंग है, तो तुम्हारा कॉलेज जो है, क्योंकि नाम से ही लग रहा है कि इनका मेन फोकस जो है, मेन डोमेन जो है वो लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन है, तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं तुम्हारी स्पेशलाइजेशन जो है वो ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स में हो रही है? क्या ये स्पेशलाइजेशन रेलवे सिस्टम में करा रहा है या फिर सिंपल ECE ब्रांच तुम्हारी है? मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, लाइक
मेरा ब्रांच जो है वो आरएससी है, व्हिच स्टैंड्स फॉर आरएससी स्टैंड्स फॉर रियल सिस्टम एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, एंड यू कैन से लाइक इट इज अ ईसी फ्लेवर्ड विद रेलवे. Okay. Understand? Like electronics in communication engineering, which is flavored with railway. And here I am having core concepts of communication engineering with all concepts of railway engineering. Like मैं एक बात बताऊँ, अभी मेरा currently second sem चल रहा है. तो in my first sem we have subject of railway engineering, particular subject of railway engineering, and more about my branch and other branch of my college. They in BTech there are three only three branches like RSC. I already described about my my branch. Two more branches are RI, Rail Infrastructure Engineering, which is civil flavored with railway, and the last one is MRE, mechanical flavored with railway. So that's all about the currently branch of Gati Shakti Vishwavidyalaya in BTech, and the name changes from NRTA to Gati Shakti. It's brings a great revolution in our country in logistics sector, because Gati Shakti Vishwavidyalaya cover all the logistic areas, not limited to railway. It cover railway, waterway, roadways, and airway. It covers all the domains of the transportation. So Satyam, tell me something about the modes of admission in Gati Shakti Vishwavidyalaya. Currently for BTech, the like in NITs they need a scorecard of JEE. Similarly in Gati Shakti Vishwavidyalaya for BTech they need a scorecard of JEE. So I have heard that there are some courses which generally consider the student's CUET score. Yeah. So is it? Yeah. That's that are for only for BBA and BSc students. BBA and for JEE, they require the scorecard of JEE for current year. Okay, so I think Satyam, you are a kind of inspiration for the person who are running for CS and IT branches. But I think ये सब चीजें भी काफी important है, because जैसे तुमने बताया कि logistics transportation का हमारे country में बहुत need है. I think Gati Shakti Vishwavidyalaya would be the finest college in country for logistics and transportation, जैसा कि तुमने बताया. तो एक चीज मुझे यहाँ पर थोड़ी सी मतलब मैं पूछना चाहूंगा तुमसे कि जब फी स्ट्रक्चर की बात होती है, एक्चुअली द फी स्ट्रक्चर इज लिटिल हाई एंड इट रेजोनेट्स विद द प्रीमियम आईआईटीज और एनआईटीज फीस, तो तुम उस पे एक ट्रस्ट फैक्टर कैसे बिल्ड कर पाए थे? क्योंकि उस टाइम पे भी ये इंस्टीट्यूट एनआरटी आई था, इट इज नॉट यूनिवर्सिटी, इट वॉज डीम्ड यूनिवर्सिटी जो बनने वाली थी. अभी ये गति शक्ति हो गई है, तुम्हें एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया है, बट उस टाइम तुमने वो डिसीजन कैसे लिया? मैंने पहले बताया कि जो ये एनआरटीआई है उस समय भी जो है वो एज डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी था एनआरटीआई, नेशनल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट. बट जब मैंने एडमिशन लिया था तो जो मुझे ऑफर लेटर आया था वो वहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया था कि उसको इसका जो रीनेम कर दिया गया है गति शक्ति विश्वविद्यालय, क्योंकि उसी मंथ में सितंबर आई थिंक अगस्त और सितंबर में हमारे पार्लियामेंट में बिल पास हुआ था गति शक्ति विश्वविद्यालय एज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी. तो या द ऑफर लेटर में वो मेंशन था क्लियरली कि जो एनआरटीआई है वो मतलब फाइनली अब उसका नाम भी चेंज कर दिया गया गति शक्ति विश्वविद्यालय एज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बना दिया गया. आवर करेंट वीसी इज डॉक्टर मनोज चौधरी फ्रॉम आईआईटी जोधपुर. And he was professor at there and also the dean academics of IIT Jodhpur. So it is a great honor for us that the VC is also from the premium institute, and he is also very 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 fantastic VC, because he is very down to earth person and very kind person, and he always try to grow up our college and makes up to that level that we all dream for it. मेरा तुमसे क्वेश्चन ये है कि अभी जो इंडियन माइंडसेट है वो यही है कि अपने मतलब उनके अपने बच्चों को वो चाहते हैं कि उनको सीएस आईटी ऐसी ब्रांच मिले, ईसी मिले, और बच्चों में मैंने देखा है कि होड़ मची है कि सीएस आईटी ब्रांच के पीछे ही भागना है. तो ऐसे में जो कोर ब्रांचेस हैं या फिर जैसे लॉजिस्टिक्स ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, तो इनके बारे में तुम क्या कहना चाहोगे उन बच्चों के बारे में जो सीएस आईटी के पीछे मतलब बहुत भाग रहे हैं?
ये कुछ बच्चों की बात नहीं है, मतलब जब हम भी अपना जो एग्जाम देते थे तो अपना भी ड्रीम था कि हाँ भाई आईआईटी बॉम्बे या फिर कोई भी आईआईटी में सीएस या फिर सीएस इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी ब्रांच मिल जाए, मतलब ड्रीम तो आईआईटी था। बट ड्यू टू सम रीजंस लाइक ड्यू टू लो मार्क्स इन केमिस्ट्री आई वाज नॉट एबल टू गेट इन आईआईटीज। बट मैंने वो एक लाइन बोली थी, शायद आपको याद ना हो, कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो भी अच्छा। बस इतना ही बोलना चाहूँगा। लेकिन आते पॉइंट पे लॉजिस्टिक, तो इन करेंट सिनेरियो अपने कंट्री को लॉजिस्टिक सेक्टर में मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है काम करने की। तो अगर आप आईटी आप मतलब इस कॉलेज में आपके लिए आईटी ब्रांचेस भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, एमआरई सिविल है, तो बेसिकली ब्रांचेस वही हैं, मतलब कोर्सेज वही हैं, पर आपको एक एडिशनल चीज़ मिल रही है कि आपका डोमेन क्लियर है यहाँ पे, कि हाँ भाई आपको ये कराया जा रहा है और आपको लॉजिस्टिक में इसका यूज़ करना है, कि इसके यूज़ जो नॉलेज आपको मिल रहा है, जो आप आईटीज में कहीं भी आपको सिर्फ नॉलेज मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे आप उसका यूज़ करके कैसे आप लॉजिस्टिक को ग्रो करते हो अपनी कंट्री को। सो दैट्स द मेन पॉइंट, कि यहाँ पे आपका मतलब टारगेट पूरा क्लियर है कि हाँ भाई आपको यही करना है, जो कि बहुत ग्रेट पॉइंट है। सत्यम, अपने टाइम पे जब मैं भी जेई दे के आया था तो आई वॉज सर्चिंग फॉर दिस कॉलेज एंड आई फाउंड दैट कि जो परसेंटाइल का रेंज था, जो हायर लिमिट थी वो तो 97-98 तक बच्चे गए हैं इस कॉलेज में, बट लोअर लिमिट वॉज लिटिल लो. सो व्हाट्स योर व्यूज ऑन दैट? मतलब कोई भी कॉलेज जब स्टार्ट होता है तो जो इनिशियल लेवल पे कहीं पर भी जो एडमिशन होता है, तो ये फैक्टर रहता है कि स्टार्टिंग में आपको मतलब कम परसेंटाइल या फिर मतलब जो आप चाह रहे हो उस इतना परसेंटाइल ना हो, लेकिन एडमिशन मिल जाता है। बट जैसे जैसे आप ग्रो करते हो, लाइक एनआईटीज जब बने होंगे तो स्टार्टिंग में उनके साथ भी सेम हुआ होगा। तो लेकिन ऐसी बात नहीं, यहाँ पे जो बच्चे आते हैं मतलब अभी जो एडमिशन करंटली ले चुके हैं, वो जनरली लाइक दे आर सम स्टूडेंट्स जिनकी रैंक जो मतलब जिनकी जो परसेंटाइल थी वो 98 समथिंग थी, या 95, 97 एंड 96 एंड मैनी मोर। दे आर मैनी स्टूडेंट्स ऑफ दैट परसेंटाइल हु गेट एडमिशन इन एनआईटी गतिशक्ति विश्वविद्यालय। और मैं ये भी मेंशन करना चाहता हूँ, लाइक आई एम हैप्पी दैट जिनकी रैंक जेई एडवांस में जनरल रैंक 5000 समथिंग और 6000 समथिंग आई है, उन्होंने भी इस कॉलेज में एडमिशन लिया है। बिकॉज इट इज जस्ट स्टार्टिंग मैन, अब फ्यूचर मतलब इंडिया का वी कैन नॉट फ्यूचर ये, प्रेडिक्ट द फ्यूचर, दैट इज बट ड्यू टू दिस कॉलेज इट प्रिडिक्ट आवर फ्यूचर, दैट इन फ्यूचर द लॉजिस्टिक सेक्टर इज विल प्ले द मेजर रोल इन द कंट्रीज इकोनॉमी। सो दैट कॉलेज इज वेरी अप टू द मार्क एंड इट इज डेफिनेटली गुड फॉर स्टूडेंट्स। अच्छा, कॉलेजेस के बारे में बात हो रही है और फिर इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में बात हो रही है, तो ऐसा तो है नहीं कि प्लेसमेंट्स के बारे में बात नहीं करेंगे. लेट्स टॉक अबाउट द प्लेसमेंट. अच्छा, एक चीज मैं देखता हूँ कि जो भी बच्चे इस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये है कि अगर इस कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे क्योंकि रेलवे से जुड़ा है, उनकी जॉब रेलवे में लग जाएगी, इंडियन रेलवे में. तो क्या ऐसा भी कुछ है? ना ना ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वो मतलब इक्वली राइट्स पूरे ऑल ओवर इंडिया सबको, मतलब सारे पर्सन को, कि आप जो प्रोसेस है गवर्नमेंट से, आप यूपीएससी की एग्ज़ाम दो, जो भी प्रोसेस है वो आप उसके थ्रू ही आ सकते हो। वेरी ग्रेट. दूसरा मैं ये पूछ चाहूंगा कि व्हाट अबाउट द हॉस्टल फैसिलिटीज यू आर गेटिंग एंड द मेस की मेस फूड कैसा है तुम्हारा? एज यू नो आई विल टॉक अबाउट मेस फूड लेटर, ओके लेट्स ओके. कम टू द हॉस्टल। तो हॉस्टल तो भाई मतलब क्या ही बताऊँ, मतलब एकदम अच्छी, मतलब प्रीमियम फील जो होता है ना वो बिल्कुल सेम है। तो अगर मैं क्योंकि तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हो सके तो अगर तुम्हें कोई फोटोज मिल जाए तो हम अपने ऑडियंस को दिखा सकते हैं, तो मुझे तुम आई विल जरूर से भेज या देना. आई विल से व्हाट्सएप। तो हॉस्टल जो है वो मतलब बेस्ट बोल सकते हो उसको, बेस्ट का बेस्ट है, ठीक है। और मेस की बात करते हैं तो खाना तो कितना भी अच्छा हो आप बोल दो बहुत बेस्ट है, लेकिन जो घर का खाना है वो तो कभी मैच तो हो नहीं सकता। बिल्कुल सही तो बात. जो हॉस्टल के मतलब उनके अकॉर्डिंग मतलब उनको रेफरेंस लेके बोले हॉस्टल्स में हॉस्टल, तो फूड जो है काफ़ी अच्छा है, बाकी रहने का तो बहुत अच्छा प्लेस है।
कनेक्टिविटी क्या क्या है, अगर हम बात करें बाय एयर, एयरपोर्ट कितना पास में है और रेलवे कितना पास में है आपके कॉलेज से? आई थिंक जो रेलवे स्टेशन है अपने कॉलेज से मैक्सिमम 5 किलोमीटर होगा, और जो एयरपोर्ट है वो मैक्स टू मैक्स 9 और 10 किलोमीटर अपने कॉलेज से होगा। अच्छा, अभी मैं बताना चाहूंगा कि अभी रिसेंटली इनका जो एक टेक फेस्ट था वो अभी हुआ है एपिटोम के नाम से, एंड उसमें मैंने देखा कि जो स्पॉन्सर्स थे आपके प्लेटिनम स्पॉन्सर्स में एयरबस था, आईबीएम था, तो इतने बड़े बड़े कंपनीज स्पॉन्सर किए थे टेक फेस्ट को। सो टेक फेस्ट कैसा हुआ था, मतलब उसके बारे में जरा बताओ। एटलीस्ट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अभी तो ये अपने कॉलेज का स्टार्टिंग है, आप धीरे धीरे देखते जाओ कितना ग्रो करता है। और जो जितने भी मतलब कंपनीज हैं, बड़ी 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 कंपनियाँ जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही कॉलेज में, क्योंकि ये आने वाला फ्यूचर है अपना। अच्छा, एक बात तुमसे पूछना चाहूंगा कि जैसे हमारे इंडिया में देयर आर सम कॉलेजेस विच आर लाइक बहुत अच्छे हैं वो अपने पर्टिकुलर डोमेन में, जैसे कि अगर मैं बात करूँ IIST तिरुवनंतपुरम का, तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में उससे अच्छा पूरे एशिया में कोई कॉलेज नहीं है। एंड वी एंड अनदर साइड वी हैव राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड टेक्नोलॉजी, उससे अच्छा कॉलेज मतलब इस पर्टिकुलर डोमेन में कोई नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि एक ऐसा टाइम आएगा कि जब लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन में गति शक्ति विश्वविद्यालय वुड बी द फाइनेस्ट कॉलेज इन इंडिया? डेफिनेटली, क्योंकि डेफिनेट जैसे आपने एग्जांपल दिया सारे कॉलेजेस का, उनका देखो डोमेन फिक्स है कि अपने को वर्क किस पे करना है। तो यही जो अपना जो गति शक्ति है उनका डोमेन फिक्स है कि भाई अपने को ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक में ही वर्क करना है और फ्यूचर में अपनी कंट्री की इकोनॉमी को बिल्डअप करना है। तो यहाँ पे मतलब उसको ग्रो अप करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, जैसे इंजीनियर्स और उसको मैनेजमेंट करने के लिए, मतलब उसके मैनेजमेंट के लिए भी बहुत लोग चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल BBA, MBA। सो दैट कॉलेज कवर्स ऑल द डोमेन दैट रिक्वायर्स फॉर द बिल्डिंगनेस ऑफ दैट कॉलेज। सत्यम, इट वॉज रियली वेरी नाइस टू डू दिस काइंड ऑफ पॉडकास्ट विथ यू, एंड आई वुड लाइक टू मोटिवेट ऑल माई ऑडियंस टू ज्वाइन सच काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट, स्पेशली गति शक्ति विश्वविद्यालय, बिकॉज इतना सुंदर किसी का मिशन है, मतलब मैं बहुत मुझे अच्छा लगा वो कॉलेज। तो मतलब मैं भी यही कहना चाहूंगा कि CSIT में सब कुछ नहीं रखा है, एटलीस्ट वी हैव टू लुक ऑन सच कॉलेजेस ऑल्सो, और काफी सही परफॉर्म कर रहा है ये। तो ये एक छोटा सा पॉडकास्ट था सत्यम के साथ, क्योंकि इस कॉलेज के बारे में मैंने बहुत सुना है, और यूट्यूब पे अभी तक ऐसा एक फुल इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल नहीं था, तो आई थिंक इसके बाद से जो भी बच्चे हैं उनको बहुत हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। सो थैंक यू सो मच सत्यम फॉर कमिंग विद अस, एंड आई होप कि तुम अपने फ्यूचर में काफी अच्छा करो, एंड रेलवेज में मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, तो आई होप गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।